वेलकम है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का 10th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिएगा देखते हैं। ये पेपर आज हुआ है 16 फरवरी 2023 को, ठीक है। पेपर में टोटल पेज हैं 8, पूर्णांक 70 नंबर, टाइम 3 घंटा 15 मिनट, और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है, खंड ए, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। चार ऑप्शन हैं आपके, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर है प्रेमचंद्र। सेकंड है आपका, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मंदू भंडारी। तो इसमें आपका सेकंड वाला है, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये है आपकी आत्मकथा। आगे है आपका चौथा क्वेश्चन। चेखब एक इंटरव्यू के लेखक हैं, राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे या देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसमें है आपका फर्स्ट वाला, राजेंद्र यादव, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जिसमें आपका संदेह होगा तो हम उन्हें जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे आपको कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है, क्योंकि अभी सोल्व नहीं किया पूरी तरीके से। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं, प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद या फिर राम कुमार वर्मा। ध्रुव स्वामी, तो इसके हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। द्वितीय काल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो आई थिंक इसमें सेकंड वाला है, ठीक है। बाकी इसकी जो फाइनल आंसर के हैं वो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। उसके बाद है आपका, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो इसमें जो है आई थिंक सेकेंड वाला है, इसमें 1943। लोकायतन के रचनाकार हैं निराला वर्मा, पंत वर्मा, ठीक है। लोकायतन के हैं सुमित्रा नंदन पंत, सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका नवा क्वेश्चन, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। तो इसका तो गाइज पता नहीं है, इसका भी आपको हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद है आपका दसवा, द्वितीकाल किस अवधि तक माना गया है। द्वितीकाल माना गया है आपका 1643 से 1843, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्यारहवा, स्थाई भाव हास्य रस का स्थाई भाव है, तो वो है हास, जहाँ उपमेकी उपमान से किसी गुण समान धर्म के आधार पर समानत की जाए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड आज का राइट आंसर है। आगे देखते हैं, जोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जोला छंद के, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड राइट आंसर है 12 24 मात्राएँ होती हैं। उसके बाद है 14, अनुग्रह शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें होगा उपसर्ग आपका अनु, ठीक है, अनु प्लस ग्रह, तो इसमें हो जाएगा आपका अनु, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है आपका। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, तो आई जोड़कर बना है आपका लिखाई, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है इसमें लिखाई में जो है आई प्रत्यय जोड़ा है हमने। उसके बाद है आपका 16, पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में गाइस थोड़ा सा संदेह है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या तो इसमें कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है, ठीक है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, सूरज का तत्सम रूप है, ऑप्शन पहला सूर्य, सेकंड दिनकर, थर्ड है सूरज, फोर्थ है प्रकाश। तत्सम होता है इसका शुद्ध संस्कृत रूप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सूर्य, ठीक है। उसके बाद है आपका 18वां, उसके बाद है आपका 18वां क्वेश्चन, स्वागतमय का संधि विच्छेद है, ठीक है। स्वागतमय सु प्लस आगतमय, से प्लस वागतमय, सु प्लस वागतमय, तो इसका होगा सु प्लस आगतमय, ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन, फलाते शब्द की विभक्ति का वचन है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका। तूने कौन सा लगाया बता। और उसके बाद है आपका 20वां क्वेश्चन, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन है हस्ती का, तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। गाइज बस इतना ही था वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मजा आ गया मेरे भैया, चलो बताएंगे।